वृन्दावनेश्वरी तवैवपदाविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरताग्रं निर्वापयत् परं शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतल मश्रया मी परम शीतल म राधा राधा राधा, राधा

चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम श्री वृंदावन धाम के नव किशोर लाड़ीलेल प्राणाधार जीवन धन श्री श्यामा श्याम और समस्त हित परिकर निज परिकर ये जो हमें सानिध्य मिला है ये बड़ी बड़ी साधनाओं से भी नहीं प्राप्त होता साधना का जो परम फल है निष्काम या शकाम, इन चार पुरुषार्थों में ही रखा गया है धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये जो श्रीधाम वृंदावन का आश्रय वास रसिकों का संग रजरानी का सेवन और रसोपासना में अपने चित्त का निष्ठापूर्वक समर्पित हो जाना ये महाप्रेम प्रकाशित करता है इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं प्रकत्यंतम तीर्थवा प्रविशवीतें ब्रह्म महसी स्फुरत् पश्या नैकान्तिककलितवैकुण्ठभवनम् तदध्युच्चान्युच्चान्यनुसर क्षुधामान्यत महो ज्वलन्ते वृन्दारणे भ्रम यदि किमाप्यत्र मिलती हे भाई जो इस प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लेता है शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये प्रकृति का आकर्षण स्वरूप है इन्हीं में पूरी प्रकृति को रखा गया है शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन्हीं में पांच ज्ञानेंद्रियों के साथ मन विचरण करता रहता है बड़े भाग्यशाली जन हैं, विवेकवान हैं, जो शब्द स्पर्श रूप रस, गंध का सेवन मर्यादा के अंतर्गत करते हैं धर्म शास्त्र के अनुसार सेवन करते हैं भगवत समर्पित करके सेवन करते हैं धीरे धीरे उनके हृदय में वैराग्य प्रकट होता है और एक होते हैं जिनको शास्त्र और सदगुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास है तो केवल कर्तव्य का पालन करते हैं पर उनकी रुचि उनका राग बिल्कुल किसी भी विषय में नहीं रहता ऐसे जो राग रहित जन हैं धीरे धीरे स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर तीनों से राग रहित होकर वो अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं ब्रह्म स्वरूप को ये परम आनंद का स्वरूप है बोले इससे भी आगे स्फुरत पश्यांतिक कलित वैकुंठ भवनम एकदम एकांतिक वृत्ति है कि मैं ब्रह्म हूं मेरे सिवा कोई नहीं है मैं ही मैं सब रूपों में स्फुरित हूं ये वेदांत दर्शन में आत्मस्वरूप का ही ये सब वैभव है जो इस भाव से भी ऊपर उठता है यह तो द्वैत अद्वैत में आ गया अब ऐसे भाव से युक्त होने के बाद भी ऊपर उठना जैसे श्री शनकादि हरिशरणम शरणम जपते रहते हैं और भगवान श्रीहरि के दर्शन का जब अवसर होता है तो दर्शन करने के लिए वैकुंठ धाम जाते हैं तो बोले जो थोड़ा सा भाव भेद स्वीकार करते हैं प्रकृति से जीते हुए अर्थात सांसारिक माइक द्वैत से ऊपर उठे हुए पर उन्होंने ब्रह्म को भाव से स्वीकार किया दास शख वात्सल्य आदि वो आगे महासुख को प्राप्त होते हैं लीला रस को वो वैकुंठ सुख को भगवान के महामहिम वैकुंठ का सुख या शाकेत का सुख ऐसे प्राप्त करते हैं बोले तदत्युच्चान्युच्चान्य अनुसार सुधाम महो। इसमें भी भावों की बड़ी एक से ऊपर एक उच्च अवस्थाएं होती हैं पर सबसे जो सर्वोच्च अवस्था प्रेम की वो वृंदावन में पाई गई ये परम प्रेम धाम है जो धाम वृंदावन का आश्रय ले लेते हैं वृंदावन के रसिकों के द्वारा उपदिष्ट उपासना करते हैं उनको जो प्रेम प्राप्त होता है ले बड़ी महान दुर्लभ प्रेम दशा है इसीलिए प्राय सबको वृंदावन नित्य विहार रस प्रिया प्रीतम सहचरी गण ये सब पता नहीं है क्योंकि कामना से निकल पाना निष्काम हो पाना फिर निष्काम से मोक्ष पदवी मोक्ष पदवी में भी निष्कामता फिर भगवान की वैभव की दासत्व भक्ति फिर वहां से आगे बढ़ते हुए जब प्रेम की ध्वजा गोपीजन तब कहीं तुम यहां समझ पाओगे ब्रज का रस और फिर ब्रज मुकुट और उसका मणि वृंदावन वृंदावन का प्रेम रस महारानी लाडलीजू की कृपा से वृंदावन का आश्रय लेकर वृंदावन के रसधर्म में युक्त रसिकों का संग करते हुए उनके उपदेश के अनुसार आचरण उपासना करते हुए सर्वोच्च प्रेम की प्राप्ति होती है श्रीपाद प्रभुदानंद जी कह रहे इसलिए वंदे वृंदावनगत महम भक्ति भाराव नम्रो धन्याग्रण्यम क्रमिम न चान्यत्र संस्थान मन्ने ब्रह्मा दिक सुर गणा निकम बहुक्त्यायम न खलु पर तो भाति कृष्णो पिपूर्ण मैं अपने हृदय की बात कहता हूं श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं वृंदावन के तिनके में जितनी हमारी श्रद्धा है उतनी ब्रह्मा जी में भी नहीं है अर्थात ब्रह्मा से भी बढ़कर पूजनीय यहाँ की लता पता वृक्ष औषधि आदि है सच्ची ये सब महान प्रेमी जन ही धाम के इसीलिए यहां बहुत सावधानी से अरे ये कुत्ता है अरे ये शुकर है ये ऐसा नहीं ये सब जन्म जन्मांतरों से जो साधन परायण भजन परायण महापुरुष रहे लाडली को रिझाने के लिए सब धाम के जन बन कर के हम लोगों को नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि मायाकृत नेत्र हैं। ये चिदानंद में है ये सब चिदानंदमय है यहां ऐसी भावना ठीक नहीं है कि अरे तो स्पर्श करने योग्य नहीं है ये तो अमुक है ऐसा नहीं व्यास रसिक तेई बड़े ब्रजते अनत न जाएं और वृंदावन की स्वपचलों जूठन मांगे खाएं ये प्रेम रहस्य है जाति अभिमान कुल अभिमान विद्या अभिमान ज्ञान अभिमान ये समझ में नहीं आने देगा जब ये सब धुल जाते हैं और दैन्यता का प्रादुर्भाव होता है और फिर रसिकों का संग हो इसीलिए भगवत रसिक जी कहते हैं भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके अब बाहर से तुम कैसे महल की बात जानोगे कोई महली जो महल का सेवन करने वाला वो मिले तब रहस्य समझ में आएगा तो कह रहे धन्नाग्रण्यम क्रमिमपि यहां का एक कीड़ा भी ऐसा परम धन्य है कि ब्रह्मा जी का भी सौभाग्य नहीं है साठ हजार वर्ष तक तपस्या करके गोकुल की कुछ भी बनने के लिए याचना की थी भगवान से पर उनको ये लाभ नहीं मिला जैसे उद्धव जी ने याचना की मुझे यहां की गुलमलता औषधि कुछ बना दी जाए प्रेमियों की चरण रच पड़ेगी श्रीपाद कह रहे वृंदावन के धन्याग्रण्यम क्रमिमपि न चान्यत्र संस्थान तिरणाय यहां जैसे आप देखें कोई भी जीव जंतु आप उसकी हत्या मत कीजिए कि अरे छिपकली मारो ऐसा ए बिच्छू मारो ऐसा ये तो अब और निर्माण आदि हो गए नहीं तो जब हितधाम में थे तो रात्रि में शर्प घूमते रहते थे वहाँ आसपास बगीचे ही हैं कई और बहुत पुराने समय के हैं मदन टेर है श्री जी का आगे उधर बन, बगीचा है कई ऐसे बगीचे थे तो बड़े शांपा किसी को कभी कोई पीड़ा नहीं वो एक लता थी तो मालती की बड़ी लता तो जब ऋतु में उसके पुष्प आते थे तो राधा वल्लभलाल जी के लिए श्रृंगार में तो और कोई नाउतार ले इसलिए जल्दी से और पद गुनगुनाते रहते थे तो पीछे ये आवाज़ सुनने का अभ्यास था महादेव जी की उपासना थी तो ध्यान में तो आते ही थे जब महादेव जी को उपासना करोगे तो जब आराध्य देव का फिर माला भी नजर आएगा फिर कुंडल भी नहीं तो हमारे आराध्य देव की यही थे कुंडल माला <laughs> आवाज से परिचय था पहले भी गंगा के, तो एक आवाज तो रुके कि है कहीं सांप है प्रथम यथा तो यथाम प्रणवों श्री वृंदावन तिरम देखा ऐसे नीचे देख लताओं का ऐसे जाल था नीचे देखा तो ऐसे ता में ऐसे के फन काढ़े ऐसे मस्त ऊपर कमंडल है और छाती से ऐसे लम्बक के से, आगे बढ़ के फूल उतार रहे कमंडल में रखते जाते हैं। देखा नीचे उतरे बलराम ब्रजवासी आते थे फूल ले जाते थे और तो देखो बलराम ये वृंदा बिल्कुल शांत पद गान करे बस सुन रहे उनकी सांस से मुझे पता चला कि आह तो देखो ये वृंदावन कितने सीधे तो जो वहाँ मालीगण सेवा में रहते उन्होंने कहा कि ये जंगली तो लग नहीं रहा हमें लगता है जैसे उसमें रखते ना वो लोग जो मोहर बजाते हैं वो शायद वो ऐसा इतना सीधा तो हो ही नहीं सकता इतना उनका कहना था कि जैसे वो सुन रहा हो ऐसी फुसकार मारे सब दस कदम पीछे हट गए और हम कहा ये वृंदावन के जीव हैं के लीलावत सांप बने हुए ये सब प्रेमी महाभागवत जब आप पद गाते हैं चतुराशी जी के बयालीस लीला के श्री श्यामा श्याम के प्रेम रंग में भरे तो सबका आशीर्वाद मिलता है लताओं का खगमृग पशुपंच ये साधारण जीव नहीं है स्वयं हरिवंश महाप्रभु हरिराम व्यास जी ये बड़े बड़े वंदना करते हैं हे राधाया रति गृह शुका हे मृगा हे मयूरा भूयो भूय प्रणति भीरहम प्रार्थयो अनुकम्पा महाप्रभु कह रहे हरिम व्यास कह रहे खग मृग पशु पंछी जे या बन के चरण शरण ली ये सब बड़े बड़े महात्मा हैं धन्यग्रण्यम धन्यों में भी परम धन्य है ये कौन बुलिक्रमीमी कीड़े आदि यहाँ के जो दुर्लभ धाम है उसमें एक कीड़े बने हुए हैं पर है श्री जी के निजन बहुत सावधान ऐसा नहीं कि वो चीटे आ रहे है अमुक आ रहे तो ऐसी दवाइयां डाल दो मर जाए ऐसा ये नहीं इतनी सावधानी से कि हमारे द्वारा यहां कोई किसी जीव का अहित ना हो धाम है ये सब भगवत प्रेमी महात्मा है सच्ची माने सब प्रेमी महापुरुष जन है जो श्री जी की कृपा से ये धाम के जीव बने हुए हैं वृंदावन के कीड़े की समानता में ब्रह्मा जी परमेष्ठी पद वाले और बड़े बड़े देवता भी नहीं आ सकते हैं हरिराम व्यास जी ने एक पद में कहा यहां के कबूतर जितने महिमा में हैं वैसे सनकादि। कबूतर को कहा शनक मतलब अगर चार दाना आपके कबूतर चुन लेता है तो मानो आपने सदकादि को भोजन पवा दिया ये धाम है यहाँ अगर किसी श्वान को आपने कुछ भी पवा दिया बंदर को पवा दिया मानो आपने किसी महात्मा का भंडारा कर दिया भोजन ये धाम है यहाँ के जीवों के प्रति ऐसा ना सोचे कि ये तो बड़े उद्दंड हैं बड़े ऐसे नहीं ठाकुर जी इनके साथ खेलते थे, थे यहाँ के जो बंदर है ना ठाकुर जब माखन लीला पाने की करते भोग आरोगने की तो सब खिड़की पे आके लग जाते थे तो कुछ आप पाते कुछ उनको पवाते कुछ सखाजन पाते हाँ स्वभावगत ये ऐसी लीला करेंगे कि आपको लगेगा भगवान के धाम के आपका पर्श ले, ले लेंगे चश्मा ले लेंगे और आपसे चाहेंगे कि आप कुछ खान पान को दे तो ले अपना चश्मा जाओ यहाँ चश्मा लगा के आए हो तो कुछ खवाओ पियो हम ब्रजवासी हैं बानर यही कहते तो ऐसे तो तुम दो के लें तो बड़े हिसाब से धीरे से यहाँ चढ़े हो यहाँ हल्का सा धक्का मारा तो सावधान चश्मा निकल चढ़ गए अब फ्रूटी पिलाओ हल खवाओ फिर जाओ बाहर से आए हो तुम तो होटल में खाओगे चाट खाओगे और हमें ऐसे ले और जो ज्यादा तो फिर पर्स ले जाते हैं और ऊपर से ऐसे ऐसे फेंकते हैं <laughs> न्यौछावर करो यहां ब्रजभूमि है चुपचाप जेब में डाले डालो ऐसे डाल okay. ये सब भगवान के नित्य सखा है हमें भाव से देखना है श्रीपाद कह रहे हैं अधिक क्या कहूं मेरी ये बात चतुरता पूर्ण ना मानी जाए बहुत ममेयम कि बहुत बढ़ा के कह रहे हैं देखो स्वयं कह रहे हैं बहुत्यामयम ऐसा ना माना जाए कि मैं कोई अलंकारिक या बढ़ा के बात कह रहा हूं यदि आप वृंदावन का आश्रय ले लिए तो आपको बाहर भगवत दर्शन की भी चिंता नहीं करनी इसी श्लोक इस का इशारा करते हुए महापुरुषों के कई वाक्यों को पाया गया कहीं संस्कृत से बोला गया कहीं हिंदी शब्दों में पदों में रेमन वृंदा विपिन निहार विपिन राज सीमा के बाहर हरिहू को न निहार बहुत दिव्य वृंदावन बड़ी लाडलीजू की कृपा के हमें ऐसे धाम का वास मिला बस सावधान हो जाए यहां आने मात्र से पापों का नाश होता है जैसे तीर्थों में जाओ ना वहां दर्शन वायुमंडल वहां इतने से पाप नष्ट हो यह तो धाम है प्यारी जी प्यारे जी यहाँ विराजमान है लीला परायण है थोड़ा त्रिगुणात्मिका का पर्दा लगा है जब आप सेवन करेंगे और ये नष्ट हो जाएगा तो ये सब दृश्य खत्म हो जाएगा एक अलौकिक दृश्य सर्दी पड़ रही दृश्य बदल गया वर्षा ऋतु तो दिखाई दे रही झूम झूम के फूली हुई लताएं झिम 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 बूंदे गिर रही भौरे गुंजार कर रहे और प्यारी जो प्यारे जो गलभियां दिए हुए प्री सखियों के साथ हरण कर रहे कहीं अद्भुत झूला में मल्हार राग रहे सखिया सुंदर संगीत बज रहे प्यारी जो प्यारे जो झूल रहे तुरंत भाव बदला ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ ओ यमुना जल के लिए कर रहे कभी नौका विहार अद्भुत महासुख जिनकी चरण नख कांति का तेज उदय हो जाए तो ब्रह्म रस फीका लगने लगता है उन प्रभु को साक्षात फिर प्रभु के साथ दिव्य लीला दर्शन फिर दिव्य लीला में प्रवेश स्वयं का हो जाना ये सब महासुख के अंतर्गत है ये श्रीधाम वृंदावन प्रदान करता है ये लौकिक सुख भोगों की तो आपके हृदय में रुचि ही नहीं रह जाएगी आप चलिए तो धैर्य पूर्वक चलिए नाम जप कीजिए वाणी गायन कीजिए सत्संग को मनन कीजिए और उसमें सार बात पकड़ करके अपने आचरण में ढूंढिए कौन सी ऐसी कमी है जो हमें दिव्य भाव देह की प्राप्ति में बाधा पहुंचा रहा है बहुत जल्दी लाभ मिलता है श्रीधाम वृंदावन बहुत कृपालु है अब हमारा अगला जन्म कर्म बंधन से युक्त ना हो ये जरूर ध्यान रखो जैसे हमारी मानसिकता सोचती है कि ये शरीर छूट जाएगा तो फिर और सुख मिलेगा झंझट खत्म हो जाएगी दुख ये झंझट जब तक भगवान नहीं मिलते तब तक खत्म होने वाली नहीं शरीर तो बहुत छोड़ चुके हैं बहुत पाए हैं शरीर बहुत संपत्ति इकट्ठा की बहुत परिवार बनाए कोई साथ नहीं अभी तक फिर नया संबंध नई संपत्ति नया व्यवहार एक बार तो धैर्यपूर्वक समझो आप यात्री कहां के हो और चल कहां रहे हो आपका लक्ष्य क्या है आप समेट क्या रहे हो आप आए क्या करने हो कर क्या रहे हो बहुत सावधानी से तो आपके अंदर ही उत्तर मिलने लगेगा यदि पवित्र हृदय है तो अब आप गंदा आहार करेंगे और सोचे पवित्र विचार हो तो ऐसा नहीं हो सकता आप के पेड़ में आम नहीं फरता है वो रसाल के ही पेड़ में फलता है अर्थात आम के ही पेड़ में रस में फल लगता है तुम्हारे आचरण गलत तुम्हारा आहार गलत तुम्हारा विचार गलत तो तुम शास्त्र और परमानंद भगवदानंद प्रेमानंद इसको कैसे समझ पाओगे इसके लिए आपका पवित्र आहार पवित्र आचरण पवित्र विचार तब आपके अंदर दिव्यता आएगी खूब नाम जप कीजिए कोई भी क्षण ऐसा ना हो जिस समय आप अपने मन को ना देख रहे हो असावधान मत होइए मन पर आपकी एक सूक्ष्म दृष्टि बनी रहनी चाहिए क्या सोच रहा है क्या प्रेरणा कर रहा है से बिलग है या से युक्त होकर ऐसा निरीक्षण परीक्षण करने वाला अंतर्मुखी साधक बहुत जल्दी प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लेता है चलते हैं परम पावन चरित्र भगवान श्री रामचंद्र जी का जो कलयुग के मल का नाश करने वाला और अपने आराध्य देव की चरण निष्ठा प्रदान करने वाला है समस्त वानर यूथ पति समुद्र के किनारे विराजमान हैं सम्पाति जी ने कहा मैं देख रहा हूं त्रिकूट पर्वत पर लंका लंका में अशोक वाटिका अशोक वृक्ष के नीचे सियाजू विराजमान है बूढ़ा हो गया हूं नहीं तो आपका सहयोग करता अब कोई सौ योजन समुद्र चार सौ कोष समुद्र लांग कर जाए तब राम काज हो सकता है चंपाती जी इतना कहकर चले गए जामवंत जी विचार कर रहे हैं कि कौन पार जाए अंगद जी ने कहा मैं जा तो सकता हूं पर वापस इसमें संशय है सब अपने अपने विचार प्रकट करते जाम भगवान जी ने कहा तो मैं बूढ़ा हो गया हूं जिस समय वामन भगवान ने तीन पग पृथ्वी का दान लेकर नापना प्रारंभ किया था उस समय समस्त ब्रह्मांड की सात परिक्रमा हमने की थी अब हमारा अवस्था नहीं है नहीं तो समुद्र के आये अब तो सब निराश महाबली हनुमान जी चुप शांत खड़े जाम भगवान जी ने कहा कि आप शांत क्यों खड़े हैं आपका तो अवतार ही भगवान की सेवा के लिए हुआ है राम काज लगी तव तो अवतारा शांत क्यों खड़े हैं कौन सा ऐसा कार्य है जो हे महाबली हनुमान आप कर नहीं सकते जो ही ऐसा बोला हनुमान जी का पर्वताकार शरीर बढ़ने लगा कनक बरन तन तेज विराजा राजा मान हूं अपर गिरन कर राजा मानो दूसरा सुमेर पर्वत विशाल का है शरीर बार बार सिंहनाथ किया और कहा जी हमें यह बताओ हमें करना क्या है समुद्र को लांग जाऊं पी जाऊं त्रिकूट पर्वत सहित लंका को उखाड़ कर राम जी के पास रख दू करना क्या है या आदेश करो तो समस्त सहायकों सहित रावण को मार करके उनकी पत्नियों का अपहरण करके सीता जी को विराजमान पीठ में कर अभी ले आऊं क्या करूं जा जी मुझे उचित शिक्षा दीजिए इस समय मैं क्या करूं का इतना करो तात तुम जाई सीत ही देख कहो शुद्ध है जितना भगवान ने आदेश किया है आप वैसा ही करो सियाजी की शुद्ध लेकर के श्री राम जी को सुनावा कर अभी अतुलित बल धामम हेम शैला भदेहम धनुजुवन कृषानुम ज्ञानिना अग्रगण्यम सकल गुण निधान वानराणाम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम मानो कोई स्वर्ण का पर्वत हो ऐसे भगवान के चिंतन से हनुमान जी महाराज के रोम रोम में पुलकावली हर क्षण होती रहती है महान भक्त बड़ी अपार श्रद्धा है महान भक्त अपने प्रभु को कैसे दुलार करना चाहिए ये आचार्य हैं वैष्णवा नाम यथासंभव जामवंत जी ने जब इतनी बात कही तो हनुमान जी ने कहा आप सब लोग ही सुखपूर्वक कन्दमूल फल खाइए और कार्य हो गया ऐसे प्रसन्न रहिए जब तक मैं वापस ना जाऊं तब तक आप हमारा इंतजार कीजिए सबको नमस्कार किया प्रणाम किया हनुमान जी ने यह कही नाई शबनी कहु म था चले उसी धरी रघुना था हृदय में आराध्य देव सबको नमस्कार करके राम काज के लिए चल पड़े एक बड़ा पर्वत समीप में ही था समुद्र के तट पर हनुमान जी महाराज ऐसे खेल खेल में उसकी चोटी पर चढ़ गए और जय श्री राम भगवान का नाम उच्चारण किया और भगवान का चिंतन करके उछाल मारी छलांग मारना है जैसे ही छलांग मारने के लिए हनुमान जी उद्यत हुए पूरा पर्वत पाताल को चला गया मारी छलांग हनुमान जी पवन वेग जैसे भगवान का अमोक बाण चलता है जयगिर चरण दे हनुमंता चले उस गा पाताल तुरंत ये हमारे प्रभु के दास का बल है प्रभु का बल तो असीम अनंत महामहिम अब देखो ऐसे प्रभु इसीलिए कैसे वृंदावन की बात समझ में आए अति गज मत निरंकुश मोहन निरखे लटपास देखो माई अब लाके जिनके सुदर्शन चक्र जैसे हनुमान जी जैसे गरुण जैसे दास हैं सेवक हैं गरुण जिससे इंद्र पूछते हैं कि हे महाबली गरुण मैं आपके बल की थाह नहीं पा रहा हूं आप में कितना बल है बोले समस्त ब्रह्मांडों को अपने एक पंखे पे आराम से रख के और भगवान को विराजमान करके मैं उड़ सकता हूं आराम से मुझे कोई श्रम नहीं भगवान शेष जी सरसों के दाने के जैसे सर में पड़ा हो तो पता न चले ऐसे ब्रह्मांडों को धारण किए अमित बलशाली भगवान देखो उनके दासों में कैसी सामर्थ्य जिमी अमोघ रघुपति कर बाना ये ही भांति चले हनुमाना जैसे भगवान राम का अमोघ बाण ऐसे श्री हनुमान जी महाराज भगवान का नाम उच्चारण करके देखो कोई भी कार्य करने के पहले हर चरित्र में शिक्षा है पहले अपने प्रभु का नाम उच्चारण करो कई ऐसे भाग्यशाली भक्त हैं जब बात शुरू करेंगे तो राधा 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 ऐसे बोलेंगे राधा 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 फिर बात करेंगे हम देखते हैं बहुत अच्छा लगता है कोई भी कार्य करो अपने आराध्य देव दे। जय राधा वल्लभ लाल चाहे प्रसाद पा रहे हैं या कोई भी कार्य शुरू कर रहे हैं पहले अपने आराध्य देव दे। का स्मरण बार बार रघुबीर संभारी और चलो हरसी हृदय में आनंद बार बार भगवान का स्मरण करके तरक्यू पवन तने बलभारी जब आप भगवत स्मरण करके चलोगे तो अमंगल नहीं होगा ये बातें समझ में नहीं आती सबकी कई लोग कहते हैं बड़ा ग्रह विपरीत चल रहा है बड़ी परेशानी चल क्योंकि आप भगवान से विमुख हो इसलिए ये शनि राहु केतु मंगल ये सब भगवान के पार्षद हैं, दास हैं। जब आप भगवत विमुख होकर के भगवान की आज्ञा उल्लंघन करते हो तो ये दंड देते हैं आपको सच्ची कह रहे ठीक से भजन करो ये ग्रह चाहे जितनी विपरीत दशा में बैठे होंगे तुम्हारा मंगल ही करेंगे और चाहे जितनी मंगल दशा में बैठे हो मंगल भवन का आदेश उल्लंघन करके मनमानी आचरण करोगे कभी मंगल नहीं हो सकता देख लेना भगवत सन्मुक्ता सबसे बड़ा मंगल है नाम अपने आराध्य देव का हर कदम में शिक्षा है चरित्र में कोई भी कार्य कर ये भगवत कार्य करने के लिए हमें मनुष्य शरीर मिला है कोई भी कार्य ऑफिस में जा रहे हैं नौकरी में जा रहे हैं किसानी में जहां अपने प्रभु का स्मरण किया एकाग्रता पूर्वक कार्य में लग गए जब फिर याद आई भगवान का स्मरण किया और पूरे कार्य को भगवान को समर्पित कर दिया ये भजन बन जाएगा जैसे भगवान का मोग बाण ऐसे वायु की तीव्र गति से हनुमान जी महाराज चल रहे मैनाक पर्वत जो समुद्र में विराजमान थान्तर में उसे आया कि आज मेरा परम सौभाग्य होगा भगवान के परम दास श्री हनुमान जी महाराज के चरण स्पर्श होंगे बीच में प्रकट हो गया और कहा एक क्षण विश्राम कर लीजिए बस एक क्षण हमारा अहोभाग्य होगा भगवान के आप पार्षद हैं दास हैं आपके चरण छू जाएंगे तो हम कृतिकृत्य हो जाएंगे हनुमान जी ने ऐसे ही वेग से स्पर्श करते हुए आगे बढ़े और कहा कि बिना भगवान का कार्य किए विश्राम शब्द तो हमारे जीवन में है ही नहीं हनुमान ते पर सा पुन की राम का जुकी बिनु मोहि ही कहा विश्राम हनुमान जी ने स्पर्श बस आपका आदर करते हैं आप का भाव बहुत सुंदर है पर बिना भगवत कार्य किए विश्राम ध्यान दीजिए आप बिना भगवत प्राप्ति किए मनोरंजन में मत उतर जाइए विश्राम में मत उतर जाइए नहीं फिर ये ऐसी विश्राम की आकर्षणमय वृत्ति फंसती है माया में कि फिर राम काज हो ही नहीं पाता इसी मनोरंजन में लग जाते हैं मन पांच ज्ञानेंद्रियों के साथ भोगों में विचरण करता रहता है फिर हृदय में आता है कि हम कहां भगवान की प्राप्ति कर पाएंगे यह हमारे भाग्य में नहीं लिखा काल हमारे अनुकूल नहीं भगवान की ऐसी इच्छा ऐसा बोलने लगते हैं काल ही कर्म ही ईश्वर मिथ्यादोष लगाए विश्राम नहीं किया हनुमान जी ने जब तक भगवत कार्य पूर्ण नहीं होगा विश्राम शब्द नहीं जात पवन सुत देवन देखा जान कहूँ बल बुद्धि विशेखा सुरसा नाम अहन के माता पठन आई कही ते ही बाता आज सुरन मोहि दीन आहारा सुनत बचन कह पवन कुमार राम काज करी फिरी में आव सीता के सुधी प्रभु ही सुनाऊं तब तब बदन पैठी हो आई सत्य कहो मोही जान दिमाई देवताओं ने सुरसा जो सर्पों की माता है उनसे प्रार्थना की कि हनुमान जी महाराज जा रहे हैं पर महा दुरंत बलशाली रावण है कैसे नगरी में प्रवेश कर पाएंगे क्योंकि बहुत विशाल बुद्धि चाहिए चतुरता चाहिए बहुत बल चाहिए तो एक बार हम देखना चाहते हैं महावीर हनुमान में इनकी बुद्धिमत्ता क्या लंका में ये सफलता प्राप्त कर सकेंगे इसलिए माता आप इनकी परीक्षा लीजिए वो हनुमान जी के पास आई और कहा हा बहुत दिनों से भूख लगी थी आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है विशाल का है हनुमान आज पाके मुझे संतोष होगा हनुमान जी ने कहा कि मैं प्रभु का कार्य करने जा रहा हूं प्रभु का कार्य करके वापस आऊंगा और मैं स्वयं आपके मुख में बैठ जाऊंगा आप पा लेना अभी मत अभी नहीं अभी भगवत कार्य के लिए जा रहा हूं अभी मेरे सामने मत पड़ो मैं स्वयं आकर आपका आहार बन जाऊंगा अब वो तो किसी भी तरह नहीं जाने दे रही थी हनुमान तो जी का फिर खा लो अगर मेरी विनय नहीं माननी तो ग्रश्य नमो कहे वो हनुमान फिर खा क्यों नहीं रहे हो समय बर्बाद मत करो खा जाओ मुझे जो जन भरी बदनु पसारा बदनुसारा कीन दुगुन बिस्तारा एक योजन चार कोस का मुंह फैला दिया शुरशा ने हनुमान जी आठ कोस के हो गए जन ही सोला योजन ते ही ठयभू सोला योजन का मुख उसने फैला लिया सोलह चोको चौसठ है कम गणित आती सोलह चौको चौसठ ती होता है चौसठ को उसको मुख हनुमान जी तुरंत बत्तीस योजन हो गए तुरंत पवन सुत बत्तीस भयू तो जस जस सुर शाह बदनु बढ़ावासुदून कपी रूप दिखावा जैसे जैसे सुरसा अपना मुख बढ़ाते हनुमान जी वैसे ही विशाल रूप प्रकट करते जाते दूना रूप जितना बड़ा समुद्र उतना बड़ा मुख फैला लिया सौ योजन चार सौ का मुख सुरसा ने योजन तेही आनंद की ना अति लघु रूप पवन सुतलीना बदन पैठी पुनी बाहिर आवा मांगा बिदा ता सिर नवा चार ४०० कोस का मुख किया हनुमान जी ने अपना छोटा रूप किया मुख के अंदर गए बाहर आए बोले हो गया माता अब आशीर्वाद दो मैं प्रभु का काम करूं जाकर के जिस कार्य के लिए बहुत प्रसन्न हुई और कहा देवताओं ने मुझे आपके बल और बुद्धि की परीक्षा के लिए भेजा था मैं समझ गई कि आप सफल हो जाओगे क्योंकि बड़ा मायावी देश है जहां जा रहे हो एक से एक मायापति राक्षस वहां रहते हैं राम जो सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान देख लो आप चलोगे ना भगवत प्राप्ति के लिए तो जैसी आप भावना लेकर चल रहे हो उससे दुगना सुख की भावना सामने प्रकट होगी ध्यान रखना अगर आपका लक्ष्य दृढ़ नहीं है तो खा जाएगी वासना आपको खा जाएगी हर समय भगवत स्मरण और लक्ष्य मैं चल कहा रहा हूं किस कार्य के लिए नहीं तो जो जो इस स्फुरनाएं भी हुई हैं उससे हजारों गुना बढ़कर सुख आपके सामने आएगा फिर ही भोगो कोई भय नहीं कोई संकोच नहीं चलो भोगो क्योंकि तुम महासुख की तरफ जा रहे हो चलो इसे स्वीकार करो तो यदि आपने स्वीकार नहीं किया तो वही आपको आशीर्वाद मिल जाएगा जाओ कभी बाधा नहीं पहुंचाऊंगा आगे बढ़ो वासना ही उपासना का रंग जमा देगी हृदय में पर ऐसा बहुत कम होता है हम लोग ऐसे कमजोर निष्ठा वाले हैं कि लगता है भगवान तो कल भी मिल जाएंगे पर ये भोग ये दुर्लभ है मानसिकता दुर्लभ है भगवत प्राप्ति पर हमें लगता है अरे कानून पकड़ के क्षमा मांग लेंगे आज तो भोग भोगे कल फिर हम बस यही फिसला हो जाता है इसीलिए हम जिस कार्य के लिए आए उसका अनुभव यदि दृढ़ निष्ठा हो कि प्राण चले जाए पर हम जिस कार्य के लिए निकले पहले हमें समझें में नहीं आता कि लक्ष्य क्या है कोई पद हमारा लक्ष्य होगा अगर समाज प्रियता लक्ष्य होगी यश कीर्ति लक्ष्य होगी तो ये फिर हमको लक्ष्य तक पहुंचने नहीं देगा ध्यान रखना जो भगवत प्राप्ति लक्ष्य है उसमें कुछ नहीं एकमात्र जैसे अर्जुन जी को एकमात्र लक्ष्य दिखाई दे रहा था, तभी द्रोणाचार्य जी ने कहा उत्तम धनुर्धर का यही लक्षण है न वृक्ष न डाल न पूरी चिड़िया केवल लक्ष्य दिखाई दे रहा ऐसे ही संपूर्ण विश्व नहीं उत्तम अधम नहीं केवल भगवान केवल लक्ष्य जब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं तब तक कोई मनोरंजन नहीं किसी भी तरह के आकर्षण में बिल्कुल नहीं फंसना ये मन बड़ा चालबाज है ये ऐसा सिखाया है हृदय को जब देखो ना जांच के तो ऐसा सिखाता है भगवान तो कल भी मिल जाएंगे ना ये बहुत विचित्र मन है ये बस इसी पर नजर हाँ ये विषय सत्य है ये विषय सच्चिदानंद में है ये केवल उतारने के लिए तुमको दिखाई दे रहा है, है नहीं फंसा लेगा बस रोना ही रोना रहेगा विषय चुगा जिन चुगे मन चुगत कछुक सुख हो फिर फांसी ऐसी पड़े तेस हम दुख ना अंदर हृदय में जलन अशांति भजन छूट जाएगा परमार्थ बिगड़ जाएगा राम काज सब निधान आशीष दे गयी सो हरस चलो हनुमान अब ऐसा नहीं है कि आप भगवान के कार्य के लिए चल रहे हैं तो कोई बाधा ही नहीं आएगी देखो पहले मैनाक ने कहा विश्राम कर लो बड़ा अच्छा भाव फिर सुरशा जी आई अपनी लीला प्रकट की अब एक सिंधु महुराई करी माया नभु के खग गई जीव जंतु जे गगन उड़ाही जल बिलो की तिन के पर छाही गई छाह सक सो न उड़ाई यही विधि सदा गगन चर खाई समुद्र में एक ऐसा राक्षस रहता था कि अगर कोई भी आ, उसके ऊपर से उड़े समुद्र उसकी छाया को पकड़ लिया अब वो उड़ नहीं सकता गिरेगा और उसको आहार करता वैसा ही श्री हनुमान जी महाराज जी के साथ उसने किया हनुमान जी ने तुरंत कपट पहचान लिया कि तू तो राक्षस है पवन पुत्र धीर बुद्धि हनुमान जी तुरंत पहचान लिए कि ये आकर्षण राक्षसी आकर्षण है क्यों क्योंकि भगवत स्मरण चल रहा है ध्यान रखना भगवत स्मरण चल रहा है तो सुरक्षा कवच है रात दिन का पहरेदार है ये नाम मत सुनो ऐसी बातें जिसमें नाम रूप लीला धाम की अवहेलना की जाती मान जाओ हमारी प्रार्थना ये कलयुग की चाल है भगवत विमुख करने की जो ऐसा भी कोई परमार्थ है जिसमें भगवान की सेवा का भजन का लीला गायन का लीला चिंतन का विरोध किया जाए अरे विरोध होता है मदिरा पान व्य विचार दीवकी चोरी हिंसा इनका विरोध होता है भगवान की परम पावन नाम के द्वारा ही आज तक जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए वो सब दिव्यता इसी नाम से आई है अगर नाम चल रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि आसुरी भाव आकर्षण कर रहा है देवताओं ने भेजा था सुरसा जी को कि भगवान के कार्य के लिए चल रहे कितना बल है कितनी बुद्धि है इनमें नाम न छूटे इस मार्ग के पथिक का सच्चा साथी सच्चा सुरक्षा कवच नाम है ध्यान रखना मानो तो मानो नहीं तो आपको जैसी मती हो नाम छूटा तो का हनुमंत विपति प्रभु सोई जब तो सुमिरन भजन सेवक जी महाराज हरिवंश के नाम अंतर परे नाम चल रहा है रात दिन का पहरेदार है तुम्हारे परमार्थ को कोई स्पर्श नहीं कर सकता हनुमान जी ने तत्काल पहचान लिया है तो राक्षसी माया है उसको वही मार डाला आगे बढ़े पार किया देखा बड़ा सुंदर बन है बड़े सुंदर सुंदर पुष्प भौरे गुंजार कर रहे हैं रसीले फल लगे हुए हैं पक्षी और पशुओं का समूह बड़ी शोभा बन की बढ़ा रहा है हनुमान जी महाराज पर्वत पर चढ़ गए जहां ऐसे वृक्ष फल फूल देखो भगवान शिव कह रहे हैं कि इसमें हनुमान जी की कोई अधिकता नहीं है बोले प्रभु का प्रताप है हनुमान जी के साथ क्यों क्यों ऐसा बोल रहे क्योंकि स्वयं हनुमान जी हैं ग्यारहवीं रुद्र का अवतारे कह रहे कि उमान कछु कपिक अधिकाई प्रभु प्रताप जो काल ही खाई भगवान का प्रताप है जो काल का भी भक्षण कर ले समझो हरिवंश प्रताप ही जानत हैं हरिवंश प्रबोध प्रमाणत हैं हरिवंश सर्वस्व हैं तीन सुख संपत्ति दंपति अपने आचार्य गुरु इष्ट का प्रताप प्रताप का यदि बोध है कि मेरे प्रभु कौन है मेरे आचार्य मेरे गुरुदेव परास्त नहीं हो सकते आप हाँ अपना प्रताप अगर समझोगे कि हम बहुत गुणवान तप उस परास्त हो जाओगे अगर प्रभु प्रताप तो फिर परास्त होने का शब्द नहीं भगवान शिव ही महाभागवत हनुमान जी के रूप में है इसलिए ऐसा कह रहे कि इसमें कोई हनुमान जी की बात नहीं ये तो भगवान श्री राम का प्रताप है क्योंकि भगवान श्री राम भगवान शंकर की महिमा और भगवान शंकर भगवान श्री हरि ये परस्पर ऐसा प्रेम है छलांग लगा के पर्वत पर चढ़े और उन्होंने देखा बहुत ही दिव्य लंका लंकापुरी ऐसी धनाध्यक्ष कुबेर के लिए ये निर्माण करके दी गई थी बड़ा आकर्षण अत्यंत ऊंचे त्रिकूट पर्वत पर लंका वर्षी ओर पहले तो समुद्र की खाई चार सो कोष और सोने की बड़ी ही ऊंची चार दीवारी है विचित्र मणियों से स्वर्ण जटित चार दीवारें आसपास नगर की दीवारें दीवार ऐसी है मणियों से जटित स्वर्ण से जटित हनुमान जी ऊंचे से देख रहे हैं बड़े सुंदर चौराहे बाजार मार्ग गलियां पूरा नगर हर समय ऐसे सुसज्जित रहता है कि जैसे कोई उत्सव किया जाए तो सजाया जाए ऐसे लंका सजी रहती है बड़े बड़े असुर सैनिक वहां खड़े हुए हैं सावधान पैदल कोई रथ में कोई अश्व पर अनेक राक्षसों की बलवती सेना बाउंड्री के आसपास घूमती रहती है बड़े सुंदर फुलवाड़ी बाग बगीचे तालाब बावलियां कुए कोई भी ऐसी सुंदरी नहीं है जो लंका में न हो। ना हो चाहे नाग कन्या हो चाहे गंधर्व कन्या हो देव कन्या सबका अपहरण करके महाबली रावण है बड़े बड़े बलवान राक्षस गरजते रहते हैं वहां किसी का प्रवेश नहीं है भयंकर शरीर वाले करोड़ों राक्षस बड़ी सावधानी से लंका की रखवाली कर रहे हैं कई हनुमान जी ने देखा कि दुष्ट राक्षस आहार कर रहे हैं आर में भैंसे मनुष्य गधा बकरी जो जैसे अपने आप तरबूज नहीं पाते ऐसे उपहार हैं हनुमान जी ने देखा इनकी चर्चा इसलिए कि ये सब महान भाग्यशाली बनेंगे भगवान श्री राम के पावन बाण से स्पर्श होकर ये परम पद के अधिकारी बनेंगे हनुमान जी ने विचार किया कि कैसे प्रवेश करें ऐसे नगर में जिंदा मनुष्यों को भैंसों को खा रहे हैं दहाड़ रहे हैं करोड़ों की संख्या में सब घूम रहे हनुमान जी ने सोचा थोड़ा संध्या हो जाए फिर अंधेरे में प्रवेश करें बहुत छोटा रूप हनुमान जी ने धारण किया मशक समान रूप धरी लंक ही चलो सुमेरी नरहरी अब लंका में प्रवेश होना है भगवान का स्मरण हर समय स्मरण तो हो ही रहा है पर कार्य के समय विशेष स्मरण हे नाथ आपकी ही प्रसन्नता के लिए ये कार्य संपादन करने जा रहा हूं प्रभु का स्मरण अब जो भी छोटा रूप रख के निकले तो एक सिद्ध लंकली नाम की निशाचरी थी बड़ी सूक्ष्म दृष्टि थी हवा भी उसकी परिचय के बिना अंदर प्रवेश नहीं कर सकती हनुमान जी अत्यंत सुमसक समान अच्छा छोटा एकदम रूप प्रवेश इतना सावधानी है लंका में उसने कहा बिना हमारी आज्ञा के कौन अंदर मच्छर भी नहीं जा सकता अंदर इतनी सावधानी कहा चला जा रहा है कौन है तू तू जानता नहीं मेरे प्रभाव को मैं संपूर्ण लंका में यही देखती रहती हूं कौन प्रवेश कर रहा है कैसे प्रवेश कर रहा मेरी बिना आज्ञा के नहीं और चोर तो प्रवेश ही नहीं कर सकते क्योंकि चोर तो मेरा आहार है और तुम चोरी चोरी प्रवेश कर रहे हो इसका मतलब मैं तुम्हारा आहार करूंगी जान से नहीं मरम सठ मोरा मोर आहार जहां लग चोरा हनुमान जी पीछे मुड़ के देखे वो अपने रूप में भयंकर लंक हनुमान जी एक घूसा जमाया मुंह से खून उगलते हुए आहार क्या करेगी हनुमान जी महाराज एक घूसा मात्र पड़ा हनुमान जी का खून की उल्टी हुई हाथ जुड़े बुड़े बड़े, बड़े भाग्य हमारे धन्य है बोले बड़े भाग्य हमारे आज भाग्य खुल गए घोषा लगने पर भाग्य खुल जब रावण ही ब्रह्म बर दीन्हा चलत बिरंची कहा चीन्हा बिकल हो सित कपिके मारे तब जाने सुने चर संघारे तात मोरू अति पुण्य बहुता देख्यू नयन राम कर दूता जिस समय रावण कुंभकर्ण विभीषण ने तपस्या संपन्न की भगवान ब्रह्मा जी ने इनको वर दिया वर दे के ब्रह्मा जी जा रहे थे तो मुझे देखा और ब्रह्मा जी ने कहा कि जब तू एक किसी कपि के प्रहार से व्याकुल हो जाए तो जान लेना निश्चरों के संघार का अवसर आ गया है आज मेरे सारे पुण्य उदय हो गए क्योंकि मैं भगवान के भक्त का दर्शन प्राप्त कर पाई भगवान के दास का नेत्रों से दर्शन पा रही और दर्शन ही नहीं परसन भी हुआ है घूसा लगाना तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग तूलनता ही सकल मिली जो सुख लव सतसंग हनुमान जी ने प्रवचन नहीं दृष्टि मात्र से मात्र से हृदय पावन हो गया और भगवान के प्रेम में डूब गई तभी कह रही है कि आज मैं भगवान के दास के दर्शन पाए यो भाग एक दृष्टि पड़ी स्पर्श हुआ हृदय में जो मलिनता थी नष्ट हो गई भगवत भक्ति का प्रकाश हो गया तभी वो कह रही हे तात स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पड़ने में रखा जाए और दूसरे पड़े में सत्संग रखा जाए तो ये स्वर्ग मोक्ष आदि सुख सत्संग की बराबरी नहीं कर सकते क्षण मात्र के सत्संग की क्योंकि क्षण मात्र का संत संग भगवत भक्त का संग हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव कर देता है अब हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे फिर देखो प्रविषि नगर की जय सब का हृदय राखी कोशलपुर राजा भगवान का फिर क्या भूल रहे हैं क्या भगवान को नहीं निरंतर भजन तो चल रहा है पर जहां कोई विशेष तो एकदम तन्मयता फिर प्रभु की तन्मयता करके हृदय में देखकर कौशलाधीश भगवान विराजमान फिर लंका में प्रवेश किया भगवान के स्मरण का प्रभाव है गरल सुधा करई मिताई गोपद सिंधु अनल सितलाई गरुण सुमेरु रेणु समताही राम कृपा कर चितवा जाहि भगवान का स्मरण कर रहे हो तुम्हें कोई विष पिला दे तो अमृत हो जाएगा कितने से उदाहरण हैं कोई शत्रु भाव रख करके यदि भक्त के साथ दुर्व्यवहार करें तो उसका दुर्व्यवहार बड़े भारी मित्र के समान प्रभावकारी हो जाएगा उसका मंगल करने वाला समुद्र भी गाय के खुर की तरह हो जाता है जो भगवान का स्मरण करता है अगर भगवान का स्मरण कर रहे हो और आग में पड़ जाओ तो आग चंदन की तरह शीतल हो जाएगी दाहिका शक्ति आपको जलाएगी नहीं भगवान के भजन का अद्भुत प्रभाव यह सब कबीरदास जी महाराज के चरित्र में देखो प्रहलाद जी के चरित्र बड़े भक्तों के चरित्र में बड़ा भारी पर्वत भी उसके लिए रज के समान हो जाता है भगवान का जो स्मरण करते हैं भगवान की जो कृपा की बाट जो होते हैं जिन पर भगवान की कृपा है अपने आराध्य देव का स्मरण करके हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण किया और लंका में प्रवेश किया विचार किया कि शिया जी को किसी महल में ही रखा गया होगा तो पहले महलों में खोज की जहां तहां देखा बड़े दिव्यताएं महल रावण का महल और विलासिता की चरम सीमा बड़े विचित्र हैं वर्णन नहीं हो सकता हनुमान जी ने एक महल में देखा रावण शयन कर रहा है कहीं जानकी जी नहीं दिखाई दी फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया जो थोड़ा रावण के महल से भिन्न है उसमें भगवान के आयुध अंकित है भगवान का नाम अंकित लगा कि लंका में ऐसा कैसे महल हो सकता है रामायुधंकित गृह शोभा बर्ण न जाए नौ तुलसी का वृंदता देख छोटे छोटे नवीन तुलसी के पौधे लगे हुए हैं भगवान के आयुध और नाम अंकित हैं हनुमान जी को बड़ा आनंद हुआ कि लंका में भी कोई ऐसा है लंका निश्चर निकर निवासा यहां कहा सज्जन कर यहां कोई संत रहता है लंका में मन करें कपी लागा ते ही समय विभीषण जागा राम, राम ते ही सुमिरन कीन्हा हृदय हरस कपि सज्जन चीन पहले तो महल कर आश्चर्य कैसे ऐसे निशाचरों के बीच में कहीं किसी का ऐसा साधुतापूर्ण व्यवहार कि अपनी दीवालों पे नाम भगवद आयुध तुलसी जी ये तो कोई महाभागवत का ही वास हो सकता है ऐसा सोच ही रहते कि विभीषण जी उठे राम 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 ये भक्त की उठने की प्रक्रिया है शो के जीव ही चेतना आवे तो नाम चलना चाहिए यदि अभ्यास नहीं है ऐसा तो फिर गुनगुनाओ राधा, राधा 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 जगते ही नाम अपने आराध्य देव का राम राम ते ही रन की ना हृदय हरसी कपी सत ये संत है ये संत की पहचान है बात बोलने के पहले आराध्य देव का नाम नींद लेने के पहले आराध्य देव का नाम नींद खुलते ही आराध्य देव का नाम नाम में ही जगना नाम में ही सोना नाम में ही बोलना नाम में ही चेष्टा करना ठाढ़े बैठे परे उताना कबीर हम राय ठिकाना अपने आराध्य देव के चिंतन में हनुमान जी ने विचार किया कि इससे तो मिलेंगे भगवान का स्मरण किया और भागवतिक वातावरण है इससे कोई हानि होने वाली नहीं साधुते हो ही ना कारज हानि ब्राह्मण का रूप रख करके हनुमान जी पुकारा सुनते ही विभीषण जी उठकर आए जे ही विभीषण जी की दृष्टि पड़ी हनुमान जी रोमांच हो रहा विभीषण जी को ये भक्त की महिमा है दोनों महान भागवत हैं विभीषण जी के हृदय में अपार आनंद उमग रहा है हनुमान जी को देख करके विप्र रूप में है अपनी स्थिति देख करके विभीषण जी पूछ रहे हैं कि तुम दासन महा कोई मोरे हृदय प्रीतियति हो तुम राम दीन अनुरागी आयु मोही करण बड़ भागी मेरे हृदय में ऐसी प्रीति हो रही है या तो आप कोई भगवान के महान भक्तों में से हैं या साक्षात दिनों पर दया करने वाले मेरे भगवान इस रूप में आए हैं मुझे कृतार्थ करने आए हैं बस दो ही हो सकते हो या तो कोई महान हरि प्रेमी या स्वयं दीन वत्सल दीन बंधु स्वयं भगवान मेरे आराध्य दे देव तो हनुमान जी ने सारी बात बताई कि शियाजू का जो अपहरण हुआ उनकी खोज ऐसा विभीषण जी के रोमांच हो रहे हैं ओहो आज मुझे भगवान के महाप्रेमी के दर्शन हो रहे हैं आनंद मगन हो रहे विभीषण जी ने कहा कि कैसे हम अपनी गाथा बताएं ऐसे जैसे बत्तीस दातों के बीच में जीव रहती है, ऐसे यहां रह रहा हूं देखो कैसा भजन जहां लंका मतलब घोर निशाचरी जिंदा खा रहे आदमियों को भैंसों को वहां कोई रामकृष्ण हरि बोल सके वहां भजन कर सके सुन हु पवन सुत लहानी हमारी जिम दस नी महु जीभ तात ताबू मोही जाली अनाथा था करी कृपा भानुकुल नाथा तामस तन कछु साधन नाही प्रीति न पद सरोज मन माही अब मोहि भा भरोस हनुमंता बिनु हरी कृपा मिल ही नहीं संता जो रघुबीर अनुग्रह की ना, तो तुम आई दरसुहठी दीना विभीषण जी ने कहा जैसे बत्तीस दातों के बीच में बेचारी जीव वैसे मेरा यहां रहना हो रहा है हे ताक मुझे अनाथ जानकर क्या प्रभु कभी हम पर कृपा करेंगे क्योंकि तामसी शरीर है भजन साधन क्या होता है तो मैं जानता ही नहीं देखो ऐसा ही हनुमान जी भगवान से बोले थे कि मैं शपथ खा के आपके कहता हूँ क्या साधन भजन मुझे तो पता नहीं बस इतना है जैसे माँ के पोषण से बालक सुरक्षित रहता है जैसे आपके बल से आपकी कृपा से बस मेरा कोई साधन ये महान भग, भगवान इनके लिए बोले तुम सारी के संत प्रेम हो रहे वो क्या करे कह रहे कितना शरीर है राक्षस शरीर है साधन क्या है भजन क्या है ये मैं कुछ नहीं जानता कुछ नहीं बनता क्या कभी प्रभु के चरणों से हमारा प्रेम होगा अभी तक तो बहुत हृदय विकल रहता था कि पता नहीं प्रभु हमें कभी स्वीकार करेंगे कि नहीं पर आज एक विश्वास हो गया कि प्रभु की हमारे ऊपर कृपा है क्योंकि भगवान की कृपा के बिना संतों का मिलन नहीं होता आज मुझे भरोसा हो गया कि प्रभु हमें बहुत प्यार करते हैं प्रभु हम पर बहुत कृपा करते हैं क्योंकि उनकी कृपा न होती तो तुम आकर हमें दर्शन नहीं देते जो रघुवीर अनुग्रह की ना तो तुम मोही दृश्य हटती अगर भगवान कृपा न करते तो आपका दर्शन न होता प्रभु की कृपा का ही ये फल है कि आप मुझे दर्शन दे रहे हैं हनुमान जी ने कहा कि सुनो विभीषण प्रभु कह रही कर ही सदा सेवक पर प्रीति विभीषण जी सुनो हमारे प्रभु ये साधन भजन नहीं देखते वो अपनापन देखते हैं जिसने स्वीकार कर लिया कि हे प्रभु मैं जैसा भी हूं आपका हूं ये हमारे प्रभु की रीति है क्यों अपनी तरफ से अपने सेवक पर कृपा करते हैं प्रेम करते हैं आप अपनी बात करो मेरी बात सुन लो कहु कवन में परम कुलीना कपि चंचल शव ही विधहीना भला बताओ मेरे में कौन सी बड़ाई है मैं कौन सा कुलीन हूं अरे चंचल स्वभाव बानर जात सब तरह से हीन हूं कहा जाता है जैसे चंचल स्वभाव बंदर आदि का स्मरण करे तो हार ये दैनिकता भरे वचन है यह हनुमान जी के नाम के प्रति नहीं है कि कोई हनुमान बोलेगा तो उसको भोजन नहीं मिलेगा नहीं उसको भोजन की तो बात जाने दो राम रसायन तुम्हारे पाशा सदा रहो रघुपति के दासा इनके पास भगवान का प्रेम रस है कोई इनको अगर बोलेगा ना तो राम रसायन पाएगा प्रेम रस पाएगा ये तो भक्त जैसे मैं कितना नीच हूं अधम हूं तो क्या नीच अधम का स्मरण होता है क्या लेकिन इनके स्मरण मात्र से समस्त कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं हम इन इन साधन जिनको नाम लेत दुख छूटत सुख लूटत तीन संगति ये दैन्य भरे वचन जैसे हनुमान जी अपनी बात कहे तो विभीषण जी ने कहा मैं राक्षसी भगवान इनको कह रहे तुम सारी के संत प्रेम हो रहे कैलाश कह रहे संत कही है संगत जिन्होंने हनुमान जी के चरणों का आश्रय भक्त भाव से लिया भगवान श्री राम का लाडला हो गया बहुत प्यारा भगवान बहुत उसे प्यार करते हैं भगवान अपने सेवकों से भी अधिक अपने सेवकों के सेवक पर रीझ जाते हैं ये भगवान का स्वभाव है अब देखो कह रहे असमय अधम सखा ये अधम अरे इनके चरित्र गाने वाले महापुरुष हो जाते हैं इनके चरित्र गाने वाले असमय अधम सखा सुमु मोहु पर रघुवीर किन भरे विलोचन प्रेमश्रु बे हनुमान जी के कह रहे हैं ऐसा मैं अधम सबरी जी के बेर पा रहे हैं प्रभु कह रहे अधम ते अधम अध विवेक से समझने का विषय है ये भक्त के हृदय की, की महान दुर्लभ दैन्यता है पर भगवान की हम पर बहुत कृपा है हनुमान जी कह रहे देखो मैं ऐसे तो अधम हूं पर भगवान की बहुत कृपा है हनुमान जी की आंखों से प्रेमाश्र प्रवाहित हो जाए जो जानते हुए भी, भी ऐसे स्वामी प्रभु को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते हैं वो सदैव दुखी भोगेंगे जानत हो वैसे स्वामी विशारी फिर काहे न हो ये दुखारी दुख दूर करने का एक ही उपाय है भगवान का आश्रय लेकर उनका सुमिरन करना जो प्रभु के गुण को गाते रहते हैं उन्हें अनिर्वचनी शांति प्राप्त होती है विभीषण जी और हनुमान जी से भगवत चर्चा बोधयंता परस्परम डूब गए फिर विभीषण जी ने पूरी बात बताई जैसे जानकी जी को लंका में लाया गया फिर मनाया गया नहीं मानी तो अशोक वाटिका में रखा गया हनुमान जी ने कहा कि अब बस आप जल्दी बताइए कहाँ है अशोक वाटिका किधर से जाए अब पहले माता के दर्शन करूंगा विभीषण जी ने सब युक्ति बताई इधर से इधर जाओगे तब आपको हां हनुमान जी विदा हुए बहुत छोटा रूप रख कर गए अशोक वन में जहाँ शियाजू विराजमान थी शिया को देखते ही हनुमान जी के हृदय में प्रेम विकलता हो रही पर मन ही मन प्रणाम किया देख रहे हैं कि आसपास से कठोर राक्षसियों का पहरा है सियाजू का शरीर कृष्ण कुछ खा पी नहीं रही सिर पर जटाओं का जो केस थे उलझ गए हैं बस मुख से राम राम श्री राम ऐसे जप रही कृष्ण शरीर है कृष्ण तन शीस जटा एक बेनी जपति हृदय रघुपत गुण श्रेणी निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन परम दुखी भा पवन सुत देखी जान की दीन शियाजू अपने चरणों की तरफ सुने मन भगवान के चरणों में जानकी जी की ऐसी अवस्था देखकर हनुमान जी को बहुत दुख हुआ अशोक वृक्ष में छोटा सा रूप बनाए हुए पत्तों उसमें आड़ में बैठे क्या करना चाहिए कैसे कैसे सामने जाऊं इतने में ही देखा कि बहुत से राक्षसियों को ले हुए अंगरक्षकों को भी रावण अशोक वाटिका में आया बड़े कठोर शब्दों से सीता जी को समझा रहा है शाम दान भय भे, भेद सब मैं सब रानियों को तुम्हारी दासी बना दूंगा मेरी बात मान लो मेरा प्रण है तुम एक बार मेरी तरफ देखो ये मंदोदरी तुम्हारी दासी बनकर तुम्हारी सेवा में रहेगी सीता जी ने तिनका उठाया इस कौशलाधी श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी ने ऐसे कहा ए दसमुख जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी खिलती नहीं ये कमलनी जुगनू के प्रकाश से नहीं ये भास्कर के प्रकाश से खिलती ये नेत्र केवल श्री राम रूप का दर्शन करते हैं तू अपने लिए समझ ले कि तू राम जी के आगे जुगनू है जुगनू अरे दुष्ट तुझे खबर नहीं कि भगवान के अमोक बाण तेरी छाती कैसे विदीर्ण करेंगे अरे पापी तू सुने में हरण करके लाया है बड़ा बलवान बनता है अधम निर्लज तुझे लाज नहीं आती ऐसे बात करते हैं अपने को जुगुनू के समान श्री राम जी को भास्कर के समान रावण बड़ा क्रोधित हुआ चंद्रहास लेकर के बड़े गुस्से में आके बोला तुम मेरा अपमान कर रहे हो मैं इस कठोर कृपाण से तुम्हारा सर काट दूंगा नहीं जल्दी मेरी बात मान ले नहीं तुझे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा सीता जी ने कहा ए दशग्रीव, प्रभु की जो श्याम कमल की माला की समान सुंदर हाथी की शूर के समान पुष्ट हो जाए हैं या तो भुजा मेरे कंठ में पड़ेगी और या तेरी भयानक तलवार दूसरी बात नहीं अरे दुष्ट मेरे सच्ची प्रण की बात को सुन ऐ चंद्रहास जी जो हाथ में चंद्रहास ले रावण है चंद्रहास तू शीघ्र और मेरा क्योंकि मैं रघुनाथ जी के विरय से बड़ा दुख और कोई नहीं समझ रही प्रभु के विरह में जो मुझे दुख अनुभव तलवार का लगना कोई दुख तू आ मेरे इस विरह का हरण कर अर्थात मुझे मार तू बड़ी शीतल लग रही है तीव्र और श्रेष्ठ तेरी धारा है तू आ मेरे दुख का अपहरण कर ले अर्थात मेरी गर्दन पर आ चंद्रहास तू मेरे दुख को मिटा दे सुनते ही मारने के लिए रावण दौड़ा जी की तरफ मंदोदरी ने तुरंत बाहों में पकड़ा और समझाया कि आपकी बुद्धि बिल्कुल काम नहीं करे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए रावण रुका और घोर राक्षसियों को बुलाकर कहा हर क्षण इनको भयभीत करो त्रास दो मास दिवस महू कहा नमाना तो मैं मारब काढ़ी कृपाना भवन गयधर इहा पिशाचिन बृंद सीत ही त्रास दिखा वहीं ही रूप बहुमंद अगर महीने भर में सिया ने बात नहीं मानी तो मैं इसी तलवार से इनको मारूंगा राक्षसियों से कहा डर पाओ हर समय कष्ट दो इनको जिससे मेरी बात माने राक्षसियां बड़े बड़े बुरे रूप रख करके ऐसी भयावा आवाज भयावा ऐसे उनमें एक त्रिजटा नाम की बड़ी ही पवित्र बुद्धि वाली थी पुरुष भगवान के चरणों में हरी चरणों में उसका स्नेह था बड़ी विवेकवान थी जो राक्षसियां ऐसा भयभीत त्रास दे रही थी सियाजी को बुलाया और कहा सुनो हम तुम्हें एक बात बता रहे हैं ये जो तुम कर रहे हो ना तुम्हारे लिए हित कर नहीं रहेगा मैंने एक स्वप्न देखा है उस स्वप्न के अनुसार मैं कह रही हूं कि सीता जी को मना लो तुम्हारे प्राण बच जाएंगे नहीं जो तुम भय दिखा रहे हो त्रास दे रहे हो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा स्वप्न में मैंने देखा एक महान बानर आया है लंका को जलाया है राक्षसों की सारी सारी सेना मार डाली गई है रावण नंगा और गधे पर सवार होकर सिर मुड़ा हुआ है और उसकी बीसों भुजाएं काट दी गई हैं इस प्रकार से वो दक्षिण यमपुरी को जा रहा है गधे पे बैठ करके और सारी लंका विभीषण जी का अनुगमन कर रहे विभीषण जी लंकाधिपति बने नगर में श्री राम चंद्र जी की जय हो ऐसी गूंज रही लंका में मैं सत्य कहती हूं यह स्वप्न नहीं है ये मैंने देखा है मैं पुकार कर कहती हूं कुछ ही दिनों में बात तुम्हें दिखाई देगी ऐसी ही होती है राक्षसियां डर गई त्रिष्टा ने कहा सब पैर पड़ो बंद करो ये चिल्लाना और चीखना और ये भयावह स्वरूप मना लो जानकी जी को तो तुम्हारे प्राण बच जाएंगे वो सब जहां तहां दूर चली गई सीता जी मन में सोचने लगी कि अब एक महीना समय देके गया है ये मारेगा एक महीना क्योंकि इसके हृदय में तनिक भी दया नहीं क्रूरता है हाथ जोड़कर त्रिजता से कहा माता तुम तो मेरी विपत्ति को जानती हो कोई ऐसा उपाय है कोई ऐसा उपाय कर दो जिससे मैं अपने शरीर को छोड़ दो विरह अशह है और बहुत कड़ुआ बोलता है रावण जो नहीं सुनना चाहिए इसलिए मैं शरीर को त्यागना चाहती हूं ऐसा कर सकती हो तुम कुछ काठ एकत्रित करो उसमें अग्नि लगा दो और मैं अपने शरीर को उसमें भस्म कर दो ये रावण की सूल भरी बातें मेरे हृदय को विदीर्ण कर रही तृष्टा ने सियाजू के चरण पकड़े और कहा नहीं नहीं, भगवान का अतुलित बल है अतुलित प्रताप है उनका श्रेयश है कुमारी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए ऐसा धैर्य मत छोड़िए नहीं नहीं मेरे लिए तुम चिता लगा दो नहीं रात्रि में कहां से चिता लगा दो त्रिजटा ने कहा बिल्कुल आप धैर्य रखिए बिल्कुल ऐसी बात मत कीजिए सीता जी मन ही मन बहुत चिंता में त्रिजटा ऐसा कहकर घर चली गई सोच रही सीता जी क्या करूं विधाता आग भी नहीं मिल रही पीड़ा नहीं मिट रही आकाश में अंगारे तो दिखाई दे रहे पर ये गिरकर मुझे जला क्यों दे रहे शीतल तारे विराहाग्नि में अंगार जैसे दिखाई दे रहे हैं शिया जी कह रही है चंद्रमा भी अग्नि की वर्षा कर रहा है इस समय विरह होने के कारण शीतल चंद्रमा भी अग्नि प्रदान करने वाला मुझे आग मिल नहीं रही क्या करूं अय वृक्ष अशोक तुम्हारा नाम शोक हरण करने वाला है अशोक तुम मेरी विनती सुनो मेरे शोक का हरण कर लो अपने नाम को सार्थक करो ये जो नए नए पत्ते हैं ना अरुण वर्ण के मुझे दिखाई दे रहा इसमें है इसमें अग्नि है सियाजू कह रहे। तुम दे दो नाग भी मैं अपने शरीर को भस्म करूं और अपने प्रभु से मिलू जाकर अब ये विरह बहुत बढ़ गया है हनुमान जी जब से रावण आया और अभी तक की सारी बात सुनकर के बिल्कुल सहन नहीं हो रहा विचार कर रहे हैं कि क्या करूं प्रभु का स्मरण करते मन में आया मुद्रिका छोड़ दी सीता जी ने समझा अशोक ने अग्नि दे दी स्वर्णिम रत्न जटित चमकती हुई मुद्रिका तो बड़ा हृदय में सुख मिला के अब इतनी ही अग्नि को हम बढ़ाकर अपने शरीर को भस्म कर देंगे जब हाथ में उठाया तो देखा उसमें भगवान का नाम अंकित है तब देखे मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अत सुन ये तो मेरे स्वामी की मुद्रिका है पहले तो आनंद हुआ फिर शोक हुआ स्वामी को विजय के बिना मुद्रिका कौन ले सकता है और मेरे स्वामी पर त्रिभुवन में कोई विजय प्राप्त कर सके तो फिर यह मुद्रिका आई कहां से ये मायामयी तो हो नहीं सकती क्योंकि नाम प्रभु का लिखा हुआ है रघुनाथ जी अजय है उन्हें कोई जीत नहीं सकता और माया में इतनी सामर्थ्य नहीं कि नाम रचना कर सके ये कैसे अंगूठी आई तब हनुमान जी महाराज छोटे रूप में नीचे उतरे और भगवान के यश का वर्णन करने लगे राम चंद गुन बरने लागा सुनते ही सीता कर दुख मेरे प्रभु का कोई निज जन है सीता जी को जैसे अमृत मिल गया हो भगवान का यश पूरी कथा सुनाई जब से हरण हुआ था प्रभु वीरय से व्याकुल होकर खोजते हुए किस आए ऐसा पूरा शियाजू ने कहा प्रकट हमारे सामने आओ, सामने गए शिया ने मुंह फेर करके से बैठ जब प्रणाम किया तो मुंह फेर कर बैठ गए नेत्र केवल भगवान के रूप हनुमान जी ने कहा माता मैं तो आपका सेवक हूं भगवान श्री राम के चरणों का दास हूं मेरे से मुंह फेरने की जरूरत नहीं करुणा निधान की शपथ खा के कहता हूं इसमें तनिक भी संशय मत करना ये अंगूठी मुझे प्रभु ने स्वयं आपके लिए दी है मैं ही लाया हूं ये केवल इसलिए कि आप पहचान करें कि मैं प्रभु का निज दास हूं सीता जी ने कहा कि तुम्हारा और प्रभु का संग कैसे हो सकता है बा न रही संग को कैसे कैसे पूरी हनुमान जी ने सब कथा प्रसंग सुग्रीव मिलन की बताई हनुमान जी के प्रेमयुक्त वचन सुनकर राम शपथ सुनकर सीता जी को विश्वास हुआ मन वचन कर्म से मेरे स्वामी का दास है ऐसा जानकर फिर नेत्र किए बहुत हृदय में दुलार प्रकट हुआ नेत्रों से अस्त्र बहने लगे शरीर पुलकित हो गया वत्स हनुमान बचा लिया तुमने बचा लिया नहीं मैं प्रभु के विरह सागर में अब डूब ही जाती पर तुमने प्रभु का यश सुनाकर प्रभु के नाम से अंकित अंगूठी देकर मुझे बचा लिया मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूं छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु कुशल मंगल हैं प्रभु तो बहुत कोमल हृदय के हैं फिर उन्होंने इतना विलंब क्यों किया निष्ठुरता क्यों धारण की क्या उनको पता नहीं कि मेरा समय कैसे व्यतीत हो रहा है उनका तो स्वभाव है कि अपने सेवक को कभी दुखी नहीं देख सकते सहज बानी सेवक सुखदायक सच्ची बताना क्या कभी वो हमारी याद किए क्या ऐसा कभी सौभाग्य होगा कि मैं भर नेत्र अपने प्रभु को निरक्ष मृदु उ क्या कभी ऐसा होगा कि मैं अपने नेत्रों से अपने प्रभु के सांवले सलोने स्वरूप को पुनः देख पाऊंगी जी के मुख से वचन नहीं निकल रहे आंसुओं से कपोल भिंगे हुए भी हैं एकदम तन्मय हुई और कहा आहा नाथ हो निपट विशारी प्रभु आप मुझे भूल गए हैं अगर भूल न गए होते तो ऐसे में यहां विरह से व्याकुल हूं और आप इतने कोमल हृदय के फिर भी निश्चित आप मुझे भूल गए हैं हनुमान जी विकल होकर बोले नहीं माता नहीं आप ऐसे वचन मत उतारे कृपा निधान स्वस्थ हैं लक्ष्मण जी सहित वो आपके दुख में कितना दुखी हैं कैसे मैं तुम्हें वचनों से कैसे बताऊं बस इतना जरूर कह रहा हूं कि आपको भी देखा है और प्रभु को भी देखा है पर आपके प्रेम से दूना प्रेम प्रभु पर वो गंभीर है इसलिए प्रगट नहीं करते आप प्रगट कर रहे हो मां लेकिन आपसे दूना प्रेम भगवान के हृदय में आपके प्रति है मैंने देखा है धीरज धारण कीजिए गदगद वाणी में हनुमान जी ने अपने शुओ को संभाला और कहा मैं प्रभु के वचन बोल रहा हूं जो वो बोले हैं आपके लिए श्री राम चंद्रजू ने कहा है कि हे शिया, तुम्हारे वियोग में सब कुछ प्रतिकूल मुझे अनुभव हो रहा है ये नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान है रात्रि मानो काल रात्रि के समान चंद्रमा मानो अग्नि बरसाने वाला है ये कमलों के बन मुझे हृदय में भाले की तरह चुपते हैं मानो खोलता हुआ तेल बरसा रहा है ये शीतल ये मंद सुगंध वायु ऐसी जहरीली लग रही है आपके बिना मन का दुख कह डालने से कहते हैं कुछ कम होता है पर किससे कहूं ये प्रेम की बात है तत्व प्रेम कर मरु तोरा जानत प्रिया एक मनु मोरा सो मनु सदा रहित तुहि तो पाहि जानु प्रीति तिर नहीं माहि प्रभु संदेश सुनत बै दे मगन प्रेम तनु सुधि नहीं तेही कहक कपि हृदय धीर धरु माता सुमिरु राम सेवक सुखदाता उ रघुपति प्रभुताई सुरीम बचन तजहु कदराई निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बान कृषाणु जननी हृदय धीर धरु जरे निशा चर जानी हनुमान जी ने कहा कि प्रभु ने कहा है कि मेरे और आपके प्रेम का रहस्य केवल एक मेरा मन जानता है और वो मन सदा आपके पास रहता है बस इतना ही समझ लो प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम मगन हो गई हनुमान जी ने कहा मां आप धैर्य धारण करें सेवकों को सुख देने वाले प्रभु के स्मरण में रहें आप प्रभु की प्रभुता को हृदय में लाओ मेरे वचन सुनो और निराशा हृदय में मत रखो उदास मत हो ये राक्षसों का समूह कुछ नहीं है ये पतंगे हैं भगवान के जिस समय बाण चलेंगे संपूर्ण पतंगे स्वरूप राक्षसों का नाश हो जाएगा हृदय में धारण करो भगवान एक क्षण में सबको जला देंगे आप प्रश्न मुद्रा में भगवद स्मृति में रहो शेष चर्चा आगे श्री राधा